मेवात में हत्या के मामले में दो को उम्र कैद की सजा, दो आरोपी हुए बरी। बता दें कि जमीनी विवाद के चलते खान मोहम्मदपुर गांव में 16 अगस्त 2019 को झगड़े में इकबाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने झगड़े में घायल जुल्फान की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। जमीनी रंजिश को लेकर 5 वर्ष पहले गत 16 अगस्त 2019 को नगीना थाना के क्षेत्र गांव खान मोहम्मदपुर स्टोरबास में इकबाल की हत्या के मामले में नामजद इखलास व इसराक को जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुशील कुमार ने मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दो आरोपी कासम व जुबैर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। मामले में उम्र कैद की सजा के साथ 51,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपियों को अलग से सजा भुगतने के आदेश दिए हैं। वही बता दें कि सरकारी वकील मोहित तवर ने यह जानकारी मीडिया को देते हुए कहा है कि मामला नकीना खंड के गांव जुल्फान ने 16 अगस्त 2019 को पुलिस को दिए गए बयानों में बताया था कि उनके परिवार में हारून खान गांव के हारून खान के परिवार का जमीनी विवाद चल रहा था। आरोप है कि जमीनी विवाद की रंजिश के चलते 16 अगस्त 2019 की सुबह 8:15 बजे इत्यादि करीब 8 लोगों ने उन्हें जोहर के पास घेर लिया था। बताया गया है कि उपरोक्त आरोपी जुल्फान के साथ मारपीट करने लगे थे। इस मामले में 2 लोगों को उम्र कैद की सजा की गई है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लिया कर अलग रिपोर्ट। हत्या के आरोपी थे, किस तरह से उनको सजा सुनाई गई है, कब का ये मामला था, क्या कहना? देखिए, ये नगीना थाने में एक एफआईआर हुई थी, FIR नंबर 180/19। ये स्टोरबास गांव है जो वहाँ पे उसका क्या नाम है मामला है जो PS नगीना में। ये एक इकबाल, इसराक और कुछ जो अन्य लोग थे इसमें, जो जुल्फान जो जिसमें शिकायत करता था, जिसने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी कुछ लोगों से पार्टीबाजी थी, इसराक, इकलास और जुबैर वगैरह से। इन्होंने आप इसमें प्रॉपर्टी की रंजिश को लेकर इकबाल को पकड़ा, इकबाल को चोटें पहुंचाई और इकबाल ने जैसे शोर मचाया था वहाँ पर उसके परिवार वाले आ गए थे। इसमें जुल्फान थी, उसकी वाइफ कफूंदी थी और उसके परिवार वाले थे, जिसमें इन्होंने इनको भी, जो आरोपी हैं इसमें इसराक, इकलास और उसके परिवार वालों ने, इनको भी बाकी लाठी डंडों से काफ़ी चोटें चोट पहुँचाई थी। इसमें काफ़ी चोटों में जो इसमें डिसीज्ड हैं आपके इकबाल, वो काफ़ी गहरी चोटें आने के कारण उनको मांडीखेड़ा ले जाया गया था, जहाँ से डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो इस तरह से साक्ष्य बताए गए, कब का ये मामला था? देखिए, ये मामला था, ये 16/8/2019 को ये अक्रेंस हुआ था और ये उसी दिन, ये क्या नाम है, एक FIR नंबर 180/19 रजिस्टर्ड हुई थी थाने में, PS नगीना में, अंडर सेक्शन 302, 323, 534 IBC में। ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हुई थी झगड़े को लेके, मेन कॉज था कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इनका आपस में चला रहा था काफ़ी पुराना। ये फिर जैसे ही इसमें कुछ लोगों को चोट लगी थी, वो जुल्फान, गफूदी, राशिद, इसमें जो डिसीज थे इकबाल, उसको हेड में 2 इंजरी आई थी काफ़ी ज़्यादा, जिसमें माननीय अदालत ने माना था कि इन चोटों को मानने में इसराक और इकलास का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था, लाठियों से उन्होंने चोटें पहुँचाई थी। इसमें माननीय कोर्ट ने इसराक और इकलास को दोषी मानते हुए उनको सजा करिए, कारावास करा, लाइफ इम्प्रिजन करिए, और इसमें जो दो दोषी हैं इसमें उनको माननीय कोर्ट ने बरी कर दिया है, उनको एक्विटल माना है सबूतों के अभाव में, लेकिन उनके अगेंस्ट एविडेंस सिर्फ 212 के थे, हार्बरिंग ऑफेंस के। सर, कितने टोटल इसमें आरोपी थे जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया? देखिए, इसमें आरोपी तो कई थे जब इनिशियली एफ आई आर रजिस्टर्ड हुई थी। पुलिस ने इसमें कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ आरोपी को निर्दोष भी करा था। इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने सिराजुद्दीन, नज़ीर और तौहीद वगैरह को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया था कि उनका कोई रोल नहीं पाया गया था इन्वेस्टिगेशन में। इसमें 4 आरोपी अरेस्ट हुए थे, इखलास, इसराक, जुबैर और कासम। ये सबसे पहले इसमें इकरास अरेस्ट हुआ था 18/8/19 को, उसके बाद जुबैर और कासम इसमें अरेस्ट हुए थे 9/9/2020 को, और उसके बाद इसमें इसराक अरेस्ट हुआ था 21/4/2021 को। अभी इसमें जो इसराक और इकलास के जो फादर हैं हारून, वो अभी भागे हुए हैं और इनके साथ एक शौकीन है जो इनके भाई बताए जाते हैं, वो भी इनमें भागे हुए हैं, अभी तक वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए अभी तक इस केस में। सजा के साथ में जो इनको 302, 323, 341, 300 और सेक्शन 34 IPC में इनको कन्विक्ट करा है, इसमें इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट करी है
323 में, सॉरी मर्डर केस में इसको 302 में इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट करी है और फाइन कराया इसको 50,000 रुपये का, और सेक्शन 323 में इनको इंप्रिजनमेंट करी है 2 मंथ्स की और 1,000 रुपये का फाइन, और 341 में सिंपल इंप्रिजनमेंट करी है और 500 रुपये का फाइन करा है, और फाइन ना भरने की सूरत में उनको फर्दर पनिशमेंट के लिए बोला है अनुमान्य कोर्ट ने अपने आदेश में कि इनको अगर मर्डर 302 के चार्ज में अगर फाइन नहीं भरते हैं जिनसे कन्विक्ट करा है तो 3 महीने की फर्दर कन्विक्शन के लिए, और 323 में 10 दिन की फर्दर कन्विक्शन के लिए इसमें बोला अगर अपने जो भी फाइन अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो।